गेम शो नमस्ते सत श्रीकाल आदाब के मनाशन प्यारे दोस्तों प्यारे दर्शकों तुसी वेखना शुरू कर चुके हो जस कैमरे की नज़र जस टीवी के उते पिछले हफ्ते कैलीफोर्निया का मारिया गेड़ा और माहौल बहुत वधिया हैगा कैलीफोर्निया दे विच जिन्नी अपनी पंजाबी कम्यूनिटी हैगी खास तौर पर बहुत ज़्यादा अगे बढ़ चढ़ के अपने कारोबार उन्हें शुरू कर दिए और खास तौर के उत्ते न्यूयॉर्क दे विच पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट हो गई और सारयां दे चेहरे ते नूर आ गया चाहे कोई भी कम्यूनिटी का बंदा हैगा क्योंकि काम कार करन दी खुल देती गई हैगी आ पिछे जिहड़े सीगे आपां मूँह दे उत्ते ढक के जाना जां ओ जिहड़ा सीगा ओ पहले ही खत्म कर दिता सीगा पर फिर भी मास्क जिहड़ा हैगा जरूरी हैगा। मैं कैलीफोर्निया गया सीगा उत्थे अपने साडे जस पंजाबी दा जिहड़ा स्टूडियो हैगा उत्थे और जांदे होए भी आउंदे होए भी 6-7 घंटे की यानी कहना मतलब कि फ्लाइट सीगी तो एकदम मूँह ढक के बहना पिया। जे तुसी एयरपोर्ट के उत्ते एक घंटा पहला चले गए हैगे जां 2 घंटे पहला चले गए हैगे वह 2 घंटे भी बिच्चे ही नोट होंदे मतलब कुल मिला के 11 घंटे तुहानू मास्क मूँह ते लगाना पैंदा हैगा और मेरा ख्याल आ कि कोविड के दिनों के इन्ना मास्क नहीं लाया सीगा जिन्ना कि ये सिर्फ यात्रा करन दे विच लगाता। चलो खैर वो सारियां गल्लां हुंदियां रहणगियां तां जिथे यह मास्क उतारे गए ने बिजनेस खोल दिते गए ने न्यूयॉर्क च खास तौर के उत्ते पर फिर भी वो कि जी प्रिकॉशन हैगी बहुत जरूरी हैगी आ नहीं कि लो जी ला 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 कर दी है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। कम्यूनिटी के खुशियां भी हैं तो गमियां भी हैं पर गमियां जड़ियाँ है जिंदगी के नाल नाल ही चल दियाँ है जिदा धुप्पा तो छां आनेरा आ तो फिर प्रकाश भी हैगा ये सारा कुछ नाल दी नाल ही है पर आज साल जिहड़ा हैगा गुरु तेग बहादुर जी का 400 ईयर्स प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा हैगा और इस मौके के उत्ते सब तो बड़ी खुशी गल एक गल हैगी है कि नाद म्यूजिक इंस्टीट्यूट वालों एक एल्बम रिलीज़ की गई जिहड़े असली पुराने वो साज ने उन्होंने नाल लैके उन्होंने राही इस मौके के उत्ते अश्मिता संधि जी ने मनजीत सिंह जेडे के USA के इस नाद म्यूजिक इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग मैंबर हैं तो उन्होंने अश्मिता संधि ने दसिया मेरा नाम मनजीत सिंह है तो मैं नाद म्यूजिक इंस्टीट्यूट USA के फाउंडिंग मैंबर से विचों हाँ। नाद म्यूजिक इंस्टीट्यूट USA एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के कीर्तन के खोज संभाल और प्रचार के विच लगी हुई है। इस साल 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश दिवस को मनाते हुए नाद म्यूजिक इंस्टीट्यूट वालों एक शब्द कीर्तन एल्बम रिलीज़ की गई है जिसका टाइटल है रागस ऑफ गुरु तेग बहादुर साहिब। गुरु तेग बहादुर साहब ने 17 रागां दे विच बाणी उचारी है। नाद म्यूजिक इंस्टीट्यूट की टीम वालों गुरु तेग बहादुर साहब के 17 शब्दों नू 17 निर्धारित रागां दे विच पुरातन कीर्तन परंपरा के अनुसार अते पुरातन साजां दे नाल जिन्हां दे विच पखावज रबाब ताउस दिलरुबा अते सारंगी आते हैं उन्हां दे नाल कीर्तन किया गया है। एक बड़े ही माण की गल है कि इन 17 शब्दों के 50% तो ज़्यादा शब्द का कीर्तन बीबिया वालों किया गया है। हुण असी गुरु तेग बहादुर साहब के 400 साल प्रकाश दिहाड़े ते यह एल्बम आप जी ने समर्पित करते हाँ। आप जी इस एल्बम नू नाद म्यूजिक इंस्टीट्यूट की वैबसाइट nadmusic.org या सिकनेट दी गुरबाणी मीडिया सेंटर ऐप या फिर साउंडक्लाउड दे उत्ते जाके भी फ्री ऑफ कॉस्ट सुन सकते हो। पिछले महीने ही जिथे के
फार्मर प्रोटेस्ट जिहड़ा हले तक चलता उहदा कोई भी हले सल्यूशन निकल के सामने नहीं आया। 26 मई को काला दिहाड़ा मनाया गया इस प्रोटेस्ट लई प्रकाश दिन जिथे असी गुरु तेग बहादुर जी का मना रहे हाँ उत्थे ही उहदे नाल ही नाल वो जिहड़ी एक सामने आई हुई दुविधा हैगी आ उहदा भी निपटारा करन दी पूरी पूरी कोशिश की जा रही जथेबंदियां वल्लों। संत सागर गुरु घर सिख कल्चर सोसायटी रिचमंड हिल न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट दियां तमाम संगतां ने इकट्ठिया होकर इस दिन कालियां पट्टियां बन के मोढ़ियां ते अते काले पटके लै के इस काले दिहाड़े नूं मनाया। देखते हाँ हरकीरत सिंह आलूवालिया की यह रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साडे हक साडे हक साडे हक साडे हक काले कानून बंद करो बंद करो बंद करो काले कानून बंद करो काले कानून बंद करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज मोदी जी सरकार बहुत दुहाई देंदी है कोरोना वध गया कोरोना वध गया, लेकिन जिस तरीके नाल इन्हां कानूनां नूं पहला गवर्नमेंट ने आर्डिनेंस पास किया और जिस तरीके दे नाल इस बिल नूं पास कराया मैं समझना उनकी मेजोरिटी भी है पर ये कोई न्याय संगत नहीं सी। प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं मगर वो नाल दी नाल ही इस वेले न्यूयॉर्क के खास तौर पर इलैक्शन हो जा रहे हैं, सिटी काउंसिल का भी हो रहा है, मेयर का भी हो रहा है, वो नाल ही जिहड़े बोरो ने पांच बोरो ने वो जिहड़े प्रेजिडेंट है उन्होंने भी हो रहा है। करमजीत सिंह धालीवाल जिहड़े कि मालवा ब्रदर्स वालों एडमर्स जिहड़े कि ब्रुकलिन बोरो प्रेजिडेंट के लिए इलैक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने जिहड़े साडे मेन आगू उन्होंने इकट्ठा करके फंड रेजिंग का एक आयोजन किया। बोरो प्रेजिडेंट ब्रुकलिन दे बड़ा तजर्बा इन्हों का ऑलरेडी फील कर चुके कि प्रॉब्लम जिन्होंने 1980s गो थ्रू चाह चुके हैं तो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम द्वारा फिर आ रही है, बड़ा होप है ये कंट्रोल करेंगे ते अपने प्रॉब्लम जी मुश्किल ये हल करेंगे। Eric Adams is the Punjabi candidate in this race and when he is elected the Punjabi community will have direct access. Well, I served with Eric Adams in the Senate and I have witnessed him and watched him help everyone. And in a city as diverse as New York, the most diverse city in the world, we need someone who's going to represent everyone, and that's Eric Adams. But we need somebody to bring law and order in New York City because obviously there's a war on police and Eric Adams is an ex-police officer. Man di loda jira is city nu crime to safely ka sakda. Ever met, he's really an ambassador. He goes out in the community, he provided fundraising, he brings people together. We are so pleased to be here, 25 days more to go and we are going to really do a good push. You know, thank you so much for hosting us today. thank you, we're proud of you. All right. दोस्तों इन सारी गलों के बीच हूँ थोड़ा जहा टाइम हो गया एक छोटी जी ब्रेक लैन का, ब्रेक लैन तो बाद उस पार आप लैके चलेंगे मैरीलैंड और वर्जीनिया जितों सानू स्टोरियां भेजिया ने सिरमुख सिंह मानकू ने लैने एक ब्रेक। ब्रेक तो बाद आओ थोड़ा सीधे लैके चलते हैं मैरीलैंड सिख एसोसीएशन रैंडल्सटाउन मैरीलैंड दे विच। जी हाँ जिथे है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैगी है, जिहड़ी इलैक्शन की गल जिदा न्यूयॉर्क दे विच हुंदी हैगी है उत्थे ही मैरीलैंड दे स्टेट कंट्रोलर दे लई जो इलैक्शन लड़ रहे हैं बोरिक न्यारमैन उहदे लई संगतां ने इकट्ठिया होकर उन्होंने अपने मशवरे भी दसे अपनियां सलाहां भी दित्तियां तां उन्होंने की कहा वह भी सुनिया। सिरमुख सिंह मानकू की यह रिपोर्ट मैरीलैंड तों। I'm Brooke Learman. I am a state delegate. I'm a mother of two children. And I'm a civil rights and disability rights attorney.
and I'm running to be the next comptroller of the state of Maryland. The election is next June 2022, but I'm starting early because I think it's so important that I'm able to reach out and meet with people, our diverse communities all over the state of Maryland. You know, we are stronger because of our diversity. So I'm excited to reimagine with all of you how we can use the resources of the Comptroller's Office to uplift our families, build more financially resilient communities, and create stronger and thriving small businesses around the state, working with our immigrant communities and people of all different heritage to create a better Maryland. ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਜਮ ਕਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਮਿਨੋਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Now, she mentioned two things that I want to mention to you guys here, because one, she said storms and the challenges. We do have challenges. Taken blessing of gurus at Gurdwara Sikh Assembly in Baltimore. ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਬਰ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸਰਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ ਵੱਲੋਂ। He has put a lot of effort to mobilize Muslim American community, and tonight we are celebrating not only Muslim American community but South Asian American community, the Sikh community, the Hindi community. Stop the evening with the anthems, first American anthem and followed by the Pakistani. So Governor Saab, your visit is auspicious. As Muslims of America, as Pakistani Americans, as South Asian Americans, so this really is significant. All of us here might have different faiths, ethnicities, and backgrounds, but we all share at least one thing. Honorable Governor Chaudhary Mohammad Sarwar Sahab, Asad Majid Sahab, Ambassador Sahab, Secretary of State John Reuben Smith, Attorney General Doug Gansler, State Senator Will Smith, Steve McAdams, my dear friend, and all of you and other dignitaries that I've missed, thank you so much. I wanted to say thank you, Governor Saab, His Excellency, to CIA, so nice. He's my mentor. When I studied it, frankly speaking, he's a mentor for every Pakistani who leaves Pakistan. Or just like the way, a proper way to take part in politics, this is what he did exactly. He made money, he made name, he served his community. He served other communities, and then he sacrificed to go to Pakistan to serve his motherland. And I can safely say that although I went to United States of America many times, but I have never met so many important people under one roof, the ones I am seeing. Mera khayal hai kyunki Sardar ji ne Punjabi ch gal kiti hai, te main pehlo apne bhra ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਵ ਪੀਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਵਾਰ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈਵ ਟ੍ਰਬਲ ਐਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਓਪਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡਰ ਬਿਫੋਰ 550th ਬਰਥਡੇ ਆਫ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਸ਼ਾ ਵਾਕਈ ਬਾਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੰਮੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੱਸੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨੋਰ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਤਾਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਇਸ਼ਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਨਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ
तो मेरा उनको मोटिवेट मैं करना चाहता हूँ कि वो यहाँ की सियासत जो है, चाहे वो डेमोक्रेट्स को पसंद करते हैं तो डेमोक्रेट्स पार्टी को ज्वाइन करें, रिपब्लिक को सपोर्ट करते हैं तो रिपब्लिक को जो है सपोर्ट करें और पार्टिसिपेट करें यहाँ की पॉलिटिक्स में, ताकि वो पाकिस्तानी हमारे भाई जो हैं कांग्रेस के मेंबर बन सकें, वो जो हैं सेनेट के मेंबर बन सकें, यहाँ लोकल गवर्नमेंट जो है उसमें अपना भरपूर कर लें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जितनी वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जितनी वो पाकिस्तान के गरीब लोगों से मोहब्बत करते हैं, शायद पाकिस्तान में रहने वाले भी उतनी मोहब्बत जो है वो ना करते हैं। उन्होंने ये भी बेनती की है कि उत्थे स्कूल दे विच उसे च ही कीर्तन का भी जड़ा वह भी प्रोग्राम रखेंगे, तो उन्होंने सानू ये यकीन दवाया कि असी उत्थे जा के तुहानू मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब नाल गल करके ते ऐसी मदद करांगे। उन्होंने अपने संबोधन विच पहले दो तीन मिनट सिख भाईचारे नूं रैकोगनाइज किया, एक मिनट च आ के फख्र महसूस किया, क्योंकि पंजाब लेंदे पंजाब दे गवर्नर साहब इत्थे आए सी और असी उन्हां नूं अपना मान सम्मान पत्र भी दिता। मैं जी टोनी इमरान ते मेरा तलक है चढ़दे पंजाब वालों, अज सानू बहुत खुशी हुई है अपने सिख भरावां नू अपने नाल इत्थे देख के। इवेंट बहुत अच्छा सी, सरदार भरावां दा बहुत बहुत धन्यवाद। पी टी आई वाशिंगटन और वर्जीनिया दा प्रेजिडेंट हैगा, असीं उन्हां नू होस्ट कीता और सारे सरदार भाई जिहड़े इत्थे अज आए उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। सिख बरादरी जिहड़ी है, साडे सिख भाई भी इत्थे तशरीफ लियाए ने और उन्होंने गवर्नर साहब नाल मुलाकात की है, जिहदे विच उन्होंने पाकिस्तान दे नाल प्यार मुहब्बत दा इजहार किया। सो दोस्तों, पाकिस्तान तो आए आगू उन्हां दे सन्मान भी होए और जिहड़े इत्थे इलैक्शनां दे विच रन कर रहे ने, चाहे सिटी कंट्रोलर ने जां बोरो प्रेजिडेंट ने, उन्हां दे बारे भी गल होई। अगले हफ्ते होर कहानियां, होर स्टोरियां जां साडा कैमरा की वेखदा है वह लैके आवांगे। पर ध्यान रहे, जिथे कि हुण बिजनेस खुल गए आ, सारा कुछ हो गया, मास्क भी उतार दिते गए आ, पर प्रिकॉशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, तो इस दे नाल ही दिओ आ गया, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ info@justbroadcasting.com ਜਾਂ deepak@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।